हेलो गाइस दिस इज अभिषेक एयर सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लुकअप रिलेशनशिप सो व्हाट इज लुकअप रिलेशनशिप लेट्स सी सो लुकअप रिलेशनशिप नथिंग बट लाइक ए रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट वेयर द डिटेल ऑब्जेक्ट नॉट डिपेंडेंट ऑन पेरेंट ऑब्जेक्ट ओके सो जब जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट कर दिया जाता है तो जो डिटेल ऑब्जेक्ट है उसके रिकॉर्ड डिलीट नहीं होते और लूजली कपल रिलेशनशिप है बेसिकली इन दो ऑब्जेक्ट के बीच लुकअप रिलेशनशिप और बाय डिफॉल्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता और रिपेरेंटिंग अलाउड है तो ये जो भी चीज़ें अपन मास्टर टेल में नहीं थी वो यहाँ पे है लुकअप रिलेशनशिप में जो डिटेल ऑब्जेक्ट है उसका इंडिविजुअल यहाँ पे सिक्योरिटी एंड शेयरिंग सेटिंग होती है और जो uh, दो दो रिलेशनशिप हमने पहले पढ़ी थी हिरारिकल एंड सेल्फ लुकअप वो लुकअप रिलेशनशिप के ही सब टाइप माने जाते हैं ओके okay, सो so ये चीजें हो गई बेसिक लुकअप से रिलेटेड सो लेट सी हाउ टू क्रिएट लुकअप रिलेशनशिप इन सेल्स फोर्स में फटाफट अपनी जो ऑर्ग है उसके अंदर लॉग कर लेता हूँ ठीक है तो क्या करने वाले हैं बेसिकली अपन तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन क्रिएट करा हुआ है इंजीनियर बड़ी नाम से जहाँ पे जो दो ऑब्जेक्ट बुक और ऑथर इन बुध बुक और ऑथर के बीच मास्टर डे रिलेशनशिप लगा हुआ है अब मैं क्या कर क्या करने वाला हूँ कि एक और ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ पब्लिशर नाम का ठीक है पब्लिकेशन नाम का जिसमें पब्लिकेशन का नाम होगा जिसका रिलेशन होगा बुक से ओके सो बुक से रिलेशन होगा उसका लुकअप रिलेशनशिप तो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट लुक लाइक लुकअप रिलेशनशिप सो मैं पहले पब्लिश पब्लिकेशन नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ कस्टम ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाके आपको न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे पब्लिकेशन लिख देना है पब्लिकेशन थोड़ा नीचे तो पब्लिशर पब्लिशर लिख देता पब्लिक पब्लिशर ठीक है पब्लिकेशन या पब्लिशर जो भी है पब्लिशर्स और और यहाँ पे टेक्स्ट ही रहने देते हैं बाकी लॉन्ग टू न्यू पे क्लिक करते हैं ताकि डायरेक्टली यहाँ पे जो अपना ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो जाए यहाँ पे सबको अलाउड कर देना है यहाँ पे सर्चिंग भी अलाउड कर देना है और सेव पे क्लिक करना है पे क्लिक करते ये टेप पे खुल जाएगा यहाँ पे टेप मैं ऑन कर लेता हूं। कोई सही कर लेते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं बेसिकली नेक्स्ट पे और नेक्स्ट यहाँ पे मेरे को इंजीनियर बडी नाम का एक, एक एप्लीकेशन है उसके अंदर ही ऐड करना है ये तो बेसिकली ये सिलेक्ट करके यहाँ पे अपना जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है पब्लिशर नाम का अब यहाँ पे मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ लुकअप रिलेशनशिप अब देखो यहाँ पे लुकअप रिलेशनशिप कहाँ क्रिएट होगी तो जहाँ पे मल्टीपल थिंग्स अवेलेबल होगी ठीक है थीके? तो यहाँ पे पब्लिशर एक पब्लिशर मल्टीपल बुक्स के लिए अवेलेबल हो सकता है बट एक बुक मल्टीपल पब्लिशर्स के लिए नहीं हो सकती तो क्या है अपन को बुक के अंदर बुक यानी बुक क्या हो गया डिटेल हो गया और जो पब्लिशर है वो यहाँ पे पेरेंट हो गया ओके तो अपन बुक के अंदर एक फील्ड क्रिएट करना है लुकअप रिलेशनशिप पब्लिशर नाम का सेलेक्ट पब्लिकेशन नाम का तो लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा हूं मैं नेक्स्ट पब्लिकेशन पब्लिशर यहाँ पे लेवल दे देते हैं सेलेक्ट पब्लिशर ठीक है और 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 बाकी नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं विजिबल टू ऑल नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं ठीक है बुक है सेव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है अपना अब जाके देखते हैं बुक एप्लीकेशन पे। इसको रिफ्रेश करते हैं बेसिकली तब अपन को नजर आ जाएगा ओके तो यहाँ पे पब्लिशर नाम का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है तो और जैसे बुक बुक न्यू बुक क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है सेलेक्ट पब्लिशर ठीक है अभी कोई भी पब्लिशर नहीं है तो मैं एक पब्लिशर ऐड कर देता हूँ यहाँ पे कोई भी पब्लिकेशन ले, ले लेते हैं एक मैं सर्चिंग कर रखा हूँ यहाँ पे ट्रेंड नाउ नाउस रेंडम हाउस नाम से पब्लिशर है तो ये क्रिएट हो गया पब्लिशर अब मैं जैसे बुक क्रिएट करता हूँ जैसे लिख देते हैं अपन कोई भी बुक का नाम आ, आ, ओ डू एपिक हिट और इसकी में कीमत मतलब पाँच सौ रुपए स्टॉक में ये काफ़ी ज़्यादा तीनों अवेलेबल हैं डिस्काउंट टेन परसेंट और अथर यहाँ पे ऑथर भी डाल देते हैं एक ऑथर क्या कहते हैं अंकुर वारिक को, वारिक ठीक है अंकुर वारी को यहाँ पे आ गए और यहाँ पे रैंडम हाउस हमने सेलेक्ट कर लिया तो कंप्लीट रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है ठीक है तो यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है ये वाला जो फील्ड है ऑथर नाम का ये यहाँ पे मास्टेल रिलेशनशिप है जबकि सेलेक्ट पब्लिशर नाम का ये जो फील्ड है वो यहाँ पे लुकअप रिलेशनशिप है देखो यहाँ पे अपन चेंज भी कर सकते हैं रिपेरेंटिंग अलाउड है रिपे और यहाँ पे यहाँ पे स्टार भी नहीं लगा हुआ कि यानी कि ये जो है वो बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड नहीं है होता ठीक है और इसकी खुद की अपनी सिक्योरिटी एंड शेयरिंग सेटिंग होती है और जैसे अपन डिलीट कर देते हैं इस पब्लिशर को तो जो रिकॉर्ड है इसका चाइल्ड रिकॉर्ड उस वो डिलीट नहीं होता ठीक है डिलीट करके देख लेते हैं वहाँ पे डिलीट तो अब इसका जो चाइल्ड है वो डिलीट नहीं होगा वो वहाँ पे खाली आ जाएगा ओके तो ये होता है लुकअप रिलेशनशिप सो ये चीज़ें समझ में आई होगी आपको कैसे क्या क्रिएट किया है मैंने ओके लुकअप रिलेशनशिप के बारे में कंप्लीट अपन समझ चुके हैं क्या होता है लुकअप रिलेशनशिप क्यों क्रिएट करते हैं और क्या बेनिफिट होता है और क्या यहाँ पे चीज़ें होती हैं लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद सो so, ये चीजें क्लियर हुई होगी कोई डाउट हो तो यार कमेंट बॉक्स में लिख देना मास्टर डिटेल और लुकअप रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं दोनों चीजें अपन सीख चुके हैं सो so, ये चीजें क्लियर हुई होगी सो so, कोई भी डाउट हो तो लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में डीएम कर सकते हो कोई सजेशन लिख सकते हो डीएम कर सकते हो सो दैट इज ऑल अबाउट टूडे थैंक यू